एफएम सुमेरम सो दिया होता आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जो है दोस्तों बिग बॉस के एपिसोड 10 का रिव्यू करने वाला हूं मैं, और यहां पे आपको बता दूं आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और इस एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिला। इवन वीकेंड के बाद के एपिसोड में भी उतना मजा नहीं आता जितना आज के एपिसोड में आया। आज मुझे पहली बार लगा कि बिग बॉस 14 शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई। एविक्शन भी था आज, जो नॉर्मली कब होता है वीकेंड के बाद को, नॉमिनेशन भी हुआ। इसके अलावा घर में कुछ ग्रुप्स बने जिनके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा निशांत, राहुल वैद्य और जान कुमार शर्मा, तीनों के बीच में बार बार झगड़ा हो रहा था, जहां पे जान का सपोर्ट निशांत कर रहा था और राहुल से एकदम लोग कन्नी काटे थे। आज तीनों लोग दोस्त बन गए हैं और हमने ये भी देखा राहुल की थोड़ी सी नजदीकियां बन रही है निक्की के साथ, और यानी कि चारों लोग गले मिल चुके हैं। तो ये एक ग्रुप अलग बन गया चार लोगों का। इसके अलावा पवित्र कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग कर रही है जास के साथ, ये दो लोग का स्ट्रांग ग्रुप बन गया। और ये लोग अपनी एज के हिसाब से भी सही और मेच्योरिटी के हिसाब से बहुत सही ग्रुप है ये दो लोगों का। इसके अलावा हम देख रहे घर में जासमीन भसीन है, जासमीन भसीन के साथ रूबीना डायलाग और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला, ये तीन चार लोगों का ऐसा ग्रुप बना है। तो कुल मिला के घर में कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म हो चुका है। और यहाँ पे एविक्शन का आज कहा गया कुछ मटका फोड़ने का, दो लोगों को नॉमिनेट के नंबर का फोड़ने, इस तरह कुछ टास्क था। ज्यादातर निशांत या राहुल के नाम आए थे और जान कुमार शानू ने सिर्फ मतलब एक नाम इनका लिया था, किसका, सारा गुरपाल का। और वोटिंग के हिसाब से अगर काउंट होता तो निशांत या फिर राहुल निकलता, लेकिन इवन जान कुमार को भी नॉमिनेशन मिला था। लेकिन जब फैसला जो है तीनों सीनियर्स पे छोड़ा गया, है ना, हमारे तीनों सीनियर्स, तो जैसे कि अगर गौहर को पूछो तो गौहर शायद ये कह थे कि उन्हें निशान नहीं पसंद है, हिना कह थे कि उन्हें राहुल नहीं पसंद है, अकेला सिद्धार्थ ये कह रहे थे कि उन्हें सारा बिल्कुल नहीं पसंद आई एज ए टास्क के हिसाब से। और बाद में हमने देखा बार बार राहुल और निशान के बीच में वॉर चल रहा था कि दोनों में से किसी को निकालो, लेकिन सब लोग ने बेनिफिट ऑफ डाउट इन दोनों को दिया और सारा को नहीं दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों पता है, उसके साथ गलत हुआ, मैं बताता हूँ क्यों गलत हुआ। आई एग्री उसने गेम अच्छा नहीं खेला है अभी तक, नो डाउट वो गेम में खेलना चाहती थी, शायद कुछ निखर के भी आती, बट हाँ एज ए जेन्युइन पर्सन जितना मैं समझ सकता हूँ सारा बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती इधर, ये पक्की बात है, एग्री, एक महीने के अंदर निकलती, आई एम टोटली एग्री, लेकिन उसे शायद एक दो हफ्ता और मिलना चाहिए था। यहाँ पर निशांत को निकाला जा सकता था, राहुल इज डूइंग गुड, निशांत और राहुल को दोनों को अच्छे खासे वोट मिले थे, राहुल या निशांत कोई भी निकालता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट राहुल में कुछ कर दिखाने का जोश है, वो आगे तक जाएगा। निशांत कुड हैव बीन लाइक निकाल सकते थे, लेकिन कमजोर कड़ी अगर तीनों के हिसाब से देखे तो सारा जरूर लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है सारा के साथ गलत हुआ। लेकिन अगर कमजोर खिलाड़ी को रखेंगे ऐसे ही तो गेम कौन देखेगा, आई मीन बिग बॉस कौन देखेगा। सो इट्स ए बिग डिसीजन, बट स्टिल सारा इज आउट ऑफ द हाउस और बहुत कुछ घर में हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब बहुत और हंगामे होंगे। और निक्की तो ऑलरेडी एक सीनियर की ही तरह घर में है, लेकिन जान कुमार शानू के ऊपर लोग जो लोग राशन पानी लेके चढ़े, क्योंकि उसके एक वोट जो था सारा के ऊपर उसको ही वजह से उसको नॉमिनेशन मिला, तो लोग बहुत ज्यादा बुरा बोल रहे हैं जान कुमार शानू को। बट आई थिंक ही इज जस्ट प्लेइंग हिज गेम ऑनेस्टली, बट इतना ऑनेस्टली भी सही नहीं है, बिकॉज एक चीज जो जान की गलत लग रही मुझे, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरह से खेल रहा है, जो मेरे ख्याल से ऐसा गेम आगे तक नहीं खेल पाएगा। बट स्टिल जान कुमार शानू इतना जल्दी निकलेगा भी नहीं, और मुझे लगता था कि तीनों सीनियर्स जब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, किसी ने जान कुमार के बारे में बात तक नहीं की, जो मुझे गलत लगा। उनको भी नॉमिनेटेड लिस्ट में, उनको भी नॉमिनेट कर सकते थे। सो बहुत कुछ हो रहा है घर में, लेकिन दिमाग अलग ही हिल रहा है, क्योंकि कुछ अलग ही हो रहा है, मतलब हमको लग रहा है कोई और निकलेगा, निकल कोई और रहा है, शायद यही है इस बार का बिग बॉस का सीन पलटेगा। मेरी तरफ से आई वॉज लाइक एक्साइटेड फॉर द होल एपिसोड टूडे, और आज की सबसे मुझे लगा जो कंटेस्टेंट है जो ज्यादा निखर के सामने आए हैं, आई थिंक कि सारा के लिए मैं आज का हाईलाइट कहूंगा। आपको ज्यादा निखरी तो नहीं, बट आई थिंक सारा ने दिल जीता आज मेरा, आई थिंक, और रेटिंग के हिसाब से 5 में से 5, 100% आज का एपिसोड बहुत अच्छा था।